नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा और न्यूज चक्र में आज हम इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी संस्थाएं धर्म और राष्ट्रवाद को टोटकी की तरह की इस्तेमाल करती है। जी हां, जब धर्म और राष्ट्रवाद की बात आती है तो उसके सामने कॉमन सेंस पूरी तरह से नतमस्तक हो जाती है। आपके सामने ये तस्वीर, जी हां, भारत को उसका पहला रफाल विमान मिल चुका है। और इस तस्वीर में जैसे कि आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाकायदा विमान की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि शस्त्र पूजा है भाई। अब इसको लेकर एक विवाद पैदा हो गया है कि क्या रक्षा मंत्री को हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों के हिसाब से पूजा करनी चाहिए थी। अगर आप मुझसे निजी तौर पर पूछें तो मुझे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना जो है सालों से अपने जो तमाम औजार, हथियार, विमान हैं, उसकी शस्त्र पूजा करती आई है। सवाल वो नहीं है दोस्तों, सवाल यह है कि इस तस्वीर के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने सियासत अपने पक्ष में मोड़ ली है। और कैसे, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब यह तस्वीर सामने उभर कर आई है। इसमें आप देख सकते हैं कि बाकायदा नींबू और मिर्ची का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप में से कोई हिंदू है, और जो तमाम हिंदू हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मेरी तरह आप भी ये जानते होंगे कि नींबू और मिर्ची धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो सकते। नींबू और मिर्ची दरअसल टोना टोटका है, जादू टोना और टोटका। तो आज हमारा प्रश्न यहां पर यह है आपसे कि हमारे जो साजो सामान है, सैनिक साजो सामान है, उसमें आपको टोना टोटका की क्या जरूरत है। मगर दिलचस्प बात यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने और उसके पालतू मीडिया ने इस मुद्दे को भी अपने पक्ष में मोड़ लिया है। मसलन गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा इस मुद्दे को भुना लिया है हरियाणा के चुनावों में इसे उठाकर, और कांग्रेस को भी घेर लिया है कि कांग्रेस किस तरह से धर्म विरोधी है। सुनिए उनकी ये बात। देश के रक्षा मंत्री राफेल को शामिल करने के लिए विजयादशमी के दिन फ्रांस की भूमि पर गए, उन्हें राफेल के आयुधों का शस्त्र पूजन किया, और यहां कांग्रेस वालों को बहुत बुरा लग गया। यही नहीं साहब, पत्रकारों की पूरी जमात तैयार हो गई नींबू मिर्ची सबको डिफेंड करने के लिए। मसलन यहां पर तो दंगल किया जा रहा है इस बात को लेकर कि नींबू और मिर्ची पर क्यों आपत्ति है। अब पढ़िए इन पत्रकार महोदय को क्या कह रहे हैं। ये पत्रकार महोदय कहते हैं कि ओम इज नॉट अ सुपरस्टिशन, इट रिप्रेजेंट्स अ सिविलाइजेशन, अ वे ऑफ लिविंग। पीपल अपोजिंग इट आर ग्रेइंग ग्रेट डिसर्विस टू व्हाट इंडिया इज। दोज अपोजिंग विद इन कांग्रेस आर ऑल्सो डूइंग डिसर्विस टू द पार्टी। इट्स लाइक कॉलिंग सैफरन कॉमनल। दोस्तों, यहां स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि आपत्ति लोगों को हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों की नहीं है, लोगों को आपत्ति है यहां पर किस तरह से आप मिर्ची और नींबू का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि टोना टोटका कर रहे हैं। आपने बाकायदा उस पर कार्यक्रम कर लिए, मगर यह भूल गए कि इस महान शख्सियत ने इसी टोना टोटका के बारे में, इसी नींबू मिर्ची के बारे में आज से कुछ सालों पहले क्या कहा था, आप सुनिए। मान्यताओं में कैद कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता है। हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, विज्ञान के युग में जी रहे हैं। श्रद्धा का अपना स्थान होता है, लेकिन अंधश्रद्धा के लिए कहीं जगह नहीं हो सकती। मैं जब गुजरात में मुख्यमंत्री बना, अब ये मुसीबत सिर्फ उत्तर प्रदेश में है ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान के कई राज्य ऐसे हैं, कई जगह ऐसी हैं जहां मान्यताओं में पता नहीं क्या क्या। आपने देखा होगा, एक मुख्यमंत्री ने कार खरीदी, मैं आधुनिक युग की बात कर रहा हूं, और किसी ने बता दिया कार के कलर के संबंध में, तो उन्होंने कार के ऊपर पता नहीं
नींबू और मिर्ची नजारे क्या ये लोग देश को क्या प्रेरणा देंगे। ऐसी अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग सार्वजनिक जीवन का बहुत अहित करते हैं। सारे हिंदुस्तान में कहीं न कहीं इस प्रकार की मान्यताओं में कई सरकारें कई मुख्यमंत्री फंसे पड़े हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के सामने जिसमें वो नींबू मिर्ची के इस्तेमाल को टोना टोटका बता रहे हैं, हालांकि कुछ सालों पहले का बयान है, इसके सामने तो पालतू मीडिया की बोलती बंद हो जाती है, होती क्या नहीं दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में यह बतलाने की कोशिश की गई ना सिर्फ बीजेपी के द्वारा बल्कि उसके पालतू मीडिया द्वारा भी कि धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है और उस पर देशभक्ति का तड़का लगा दिया गया। अब तक ये पालतू मीडिया क्या करता था दोस्तों, झूठी खबरों का प्रसारण करता था, समाज के अंदर दंगे फैलाने वाली खबरों का प्रसारण करता था, मगर अब ये अंधविश्वास का भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मेरा इनको एक मशवरा है, भूल जाइए कि दर्शकों के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी है। आप अपने घरों में झांकिए, आपके मासूम बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, कम से कम उनकी तरफ देखिए, सोचिए कि आप उन्हें किस तरह का नागरिक बना रहे हैं, क्योंकि शर्म तो आपको आती नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी संस्थाएं धर्म और राष्ट्रवाद को टोटके की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब इन पर गौर कीजिए, सरसंघ चालक हैं द गॉड फादर ऑफ बीजेपी मोहन भागवत। एक जमाना था जब आरएसएस बीजेपी को राह दिखाती थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा कुछ ऐसा है कि अब आरएसएस भी इनके सामने नतमस्तक है। क्या कह रहे हैं मोहन भागवत, और यहां पर उन्होंने मॉब लिंचिंग और अर्थव्यवस्था या गिरती हुई अर्थव्यवस्था दोनों पर ही टिप्पणी करने से मना कर दिया है, सलाह दे दी है कि इस पर टिप्पणी ना की जाए। मसलन मॉब लिंचिंग के बारे में कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग का भारतीय उसूलों से कोई लेना देना नहीं है, यह एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मोहन भागवत कहते हैं संघ का नाम लेकर हिंदुओं का नाम लेकर एक षड्यंत्र चल रहा है, यह सबको समझना चाहिए। लिंचिंग कभी हमारे देश में रहा नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी हमारे संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। उदारता की हमारी परंपरा है, सबको स्वीकार करने की हमारी परंपरा है। यहां ऐसी बातें कभी नहीं हुई, जिन देशों में हुई ये उन देशों के लिए शब्द है, लिंचिंग। यानी कि यहां पर भी आपने राष्ट्रवाद का तड़का लगा दिया। अब राष्ट्रवाद के सामने तो सब नतमस्तक हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार संसद के अंदर लिंचिंग पर अपना बयान दिया था, यहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय अस्मिता का सवाल जोड़ दिया, झारखंड की नाक का सवाल बना दिया, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। युवक की हत्या का दुख यहां है, सबको है, मुझे भी है और होना भी चाहिए। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन क्या एक झारखंड राज्य को दोषी बता देना यह शोभा देता है क्या? इससे पांच चीजें उभर कर आती हैं दोस्तों। मुद्दा नंबर एक, समस्या से ही इनकार कर दो। मुद्दा नंबर दो, राष्ट्रवाद का सहारा ले लो, देशभक्ति जोड़ दो। मुद्दा नंबर तीन, मुद्दा ऐसा उठाओ कि कोई सवाल ही ना कर पाए, क्षेत्रीय अस्मिता का सहारा ले लो। मुद्दा नंबर चार, हिंदू खतरे में है वाला तुरुप का पत्ता छोड़ दो। यही नहीं, मोहन भागवत अर्थव्यवस्था पर भी टिप्पणी करते हैं, और वो क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। वो कहते हैं तथा कथित आर्थिक मंदी पर चर्चा न करें, इससे कारोबार जगत और लोग चिंता में आ जाते हैं। दोस्तों इस वक्त आपके स्क्रीन पर एक पक्षी है, इस पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। क्या आप जानते हैं कि यह पक्षी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का फेवरेट बर्ड है, फेवरेट पक्षी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शुतुरमुर्ग की एक आदत होती है कि जैसे ही वो खतरे को आता देखता है वो अपनी गर्दन को रेत में दफन कर देता है। तो बताइए भाइयों और बहनों कि शुतुरमुर्ग बीजेपी का फेवरेट पक्षी हुआ कि नहीं हुआ।
अफसोस की बात यह है कि चाहे आरएसएस हो या बीजेपी, वो हमें लगातार ये मशवरा दे रहा है कि सवाल मत उठाइए, मुद्दों को मत उठाइए, चाहे आम इंसान को उससे तकलीफ हो रही होगी। और मुझे फैज की नज्म याद आती है, याद है ना आपको फैज ने क्या कहा था, निसार तेरी गलियों पर है वतन, कि जहां चली है रस्म कि कोई सिर उठा के ना चले। मैंने आपसे क्या बताया, ये जो तमाम मुद्दे हमने आपको सामने बताए हैं, चाहे राजनाथ सिंह वाला मुद्दा हो या जो दो मुद्दे मोहन भागवत ने उठाए, इसमें समानता क्या है, धर्म और राष्ट्रवाद, और ये कहीं ना कहीं इनका अचूक ब्रह्मास्त्र है। एक बार जब ये अचूक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए जाते हैं तो इसके सामने तमाम मुद्दे बौने पड़ जाते हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोगों को इन मुद्दों पर हंसी आ रही हो, मगर ये किसी भी सूरत में कॉमेडी नहीं है दोस्तों। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जो ये प्रमाणित करता है, जो ये साबित करता है कि किस तरह से मीडिया असल मुद्दों से आपका ध्यान भटकाता है। मसलन वो दिन याद है आपको, जब आरे में, आरे कॉलोनी में किस तरह से पेड़ काटे जा रहे थे, तब उस पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए न जाने कहां से मीडिया एक मौलवी को पकड़ लाया। एक तो मुझे समझ नहीं आता ये 500 रुपए प्रति फतवा वाले ये मौलवी कहां मिल जाते हैं मीडिया को। हाँ, ये मौलवी साहब क्या कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद हैं नुसरत जहां, वो जो दुर्गा पूजा को लेकर पूजा कर रही थी, ये गैर इस्लामिक है। और आप देखिए आपके स्क्रीन्स पर हर चैनल इस पर डिबेट कर रहा था। मसलन इंडिया टुडे क्या कह रहा था, क्लेरिक नुसरत जहां मस्ट चेंज हर नेम। उसके बाद रिपब्लिक कहता है इंडिया फाइट्स हेट, और फिर दो तस्वीरों के साथ आज तक इसका प्रसारण कर रहा है। और उसी तरह से टाइम्स नाउ भी कह रहा था कि दीदीज एमपी शोज द वे। इसका मकसद क्या था दोस्तों, कि एक बार फिर हिंदू मुस्लिम किया जाए, धर्म विशेष को बदनाम किया जाए। अब न जाने कहां से ये मौलवी साहब उतर आए और वो हमारे प्राइम टाइम टेलीविजन में पूरी तरह से छा गए। मीडिया नफरत का किस तरह से कारोबार करता है और असल मुद्दों से आपका ध्यान भटकाता है, वो आपको सीआरपीएफ के इस कार्यक्रम से स्पष्ट हो जाता है। सीआरपीएफ के इस कार्यक्रम में इस ओजस्वी लड़की या जवान खुशबू ने ये बयान दिया था, ये स्पीच दी थी। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूं कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अब जल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अब जल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। इस स्पीच के अंदर वो गर्भवती महिलाओं के कोख फाड़ने की बात कर रही थी, कन्हैया के सीने को फाड़ देने की बात कर रही थी, किस तरह से कोई उनके छाती में भारतीय तिरंगा गाड़ दे। अब इसे मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा राष्ट्रवाद की मिसाल के तौर पर पेश कर रहा था, जोरों शोरों से, बावजूद इसके कि सीआरपीएफ ने एक बयान जारी किया और इस बयान में उन्होंने कहा कि बेशक खुशबू चौहान ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखी है, मगर जिस तरह से उन्होंने हिंसा की वकालत की है, यह सीआरपीएफ की सोच नहीं है। जब सीआरपीएफ यह बात कर रही है तो मीडिया आखिर क्यों नफरत भरे इस बयान का प्रसार कर रही थी। मीडिया ने इस शख्स का, जी हां, इसी डिबेट में एक और जवान था, एक और ऑफिसर था जिसने अपनी बात रखी बहुत समझदारी से, बहुत सुलझे हुए तरीके से। मैं चाहता हूं आप उन्हें सुने। हमारे विपक्षी साथी द्वारा मानव अधिकार का संरक्षण किए बगैर ही राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। जब आम लोगों का कोई अधिकारी नहीं हो तो इस स्थिति में राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या मतलब? मैं पूछना चाहता हूं अपने विपक्षी साथियों से, वे किस राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं? पुलिस हिरासत में अत्याचार व मौत, उन्नाव केस, किसानों द्वारा आत्महत्या या बिहार के शेल्टर होम में हुई मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी, क्या यह है राष्ट्रीय सुरक्षा? राष्ट्रीय सुरक्षा का अर्थ सिर्फ सीमा की सुरक्षा नहीं बल्कि सीमा के अंदर रह रहे व्यक्तियों की सुरक्षा से भी है। अपने हक को मांगे जाने पर लोगों को नक्सली तथा आतंकवादी करार दिया जाता है तथा यह सुरक्षा देने वाले पुजारी आईपीसी की धारा 124A के तहत गिरफ्तार कर उन्हें देशद्रोह का मुकदमा चलाते हैं, फिर फर्जी इनकाउंटर में भी मार गिराते हैं। तो सुना आपने, मीडिया इस बयान का बिल्कुल भी प्रचार प्रसार नहीं कर रहा था क्योंकि इससे एक पार्टी विशेष को राजनीतिक फायदा नहीं हो रहा था, मगर दूसरी तरफ एक खुशबू चौहान जो खुशबू फैला रही थी समाज में नफरत की, उसके बयान को खुलकर प्रचार और प्रसार दिया जा रहा था।
क्या कहेंगे आप? और जाते जाते आपके सामने खुशखबरी। खुशखबरी यह है कि आपको याद होगा कि हमने यहां न्यूज क्लिक में उस मुद्दे पर जोर शोर से चर्चा की थी कि किस तरह से 49 फिल्मकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। और यह एफआईआर दर्ज किसने की थी? यह शिकायत की थी एक वकील ने, और उसकी शिकायत पर आदेश दिया था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने। अपनी गलती को स्वीकार करते हुए बिहार पुलिस ने अब उस मामले को बंद कर दिया है और उस वकील के खिलाफ किन धाराओं के अंतर्गत? सेक्शन 182 एंड 211 ऑफ द आईपीसी, इनके तहत इनके खिलाफ केस कर दिया गया है। मगर मेरा सवाल यह कि उस वकील के खिलाफ तो आपने केस दर्ज कर दिया, मगर जिस चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बगैर प्रमाण के आदेश जारी कर दिया था, जिसके आधार पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया था, उनको लेकर क्या? क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों कि कुछ दिनों पहले ये शख्स कौन है? ये हैं गौतम नवलखा। इनके मामले में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-5 जजेस ने सुनवाई करने से मना कर दिया था। मैं ये मुद्दा क्यों उठा रहा हूं दोस्तों? इस देश में न्यायपालिका को लेकर किसी तरह की कोई जवाबदेही नहीं है, और यह अपने आप में बहुत बड़ी त्रासदी है। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा, नहीं तो न्यायपालिका बुरा मान जाएगी। खैर, न्यूज चक्र में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और न्यूज क्लिक को सब्सक्राइब करें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। We'll be right back.